हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं? तो दोस्तों, हमारा ये सुंदर सा प्लांट गुलदाउदी लगाने का टाइम आ गया है। तो इसकी कटिंग आप दोस्तों जून से लगा सकते हैं, जून से स्टार्ट हो जाती है। और अब तो जुलाई भी लग गई है, जुलाई की 4 तारीख है। और मैं अभी, ये शाम का मौसम है दोस्तों, तो अच्छा मौसम है कटिंग लगाने के लिए, बहुत अच्छा है। तो मैं इसी में से कटिंग लेती हूँ दोस्तों। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी गुलदाउदी की कटिंग लगा लें। तो हमें दोस्तों क्या करना है, बस इतनी ही टिप लेनी है। ये देखिए, कुछ 3 इंच कटिंग हमें लेनी है और ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। आप जितनी चाहे कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर इसके लगते हैं। और अभी कटिंग लग जाती है, बहुत ईजिली लग जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं कैसे कटिंग लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ। और अपने ही घर से कटिंग, अभी आप प्लांट पिछले जो आपने सेव किए हों उनमें से आप कटिंग ले लें। और आपके आस पड़ोस में कहीं गुलदाउदी लगी हो तो आप उनसे भी कटिंग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कटिंग ईजिली लग जाती है। और कटिंग जितना हम कटिंग करेंगे उतना प्लांट ग्रो करेगा, बुशी होगा। तो कटिंग तो हर कोई दे देता है दोस्तों प्लांट की। ये देखिए, ढेरों कटिंग तैयार हो जाती है इसकी और लग भी जाती है, बहुत ईजिली कटिंग इसकी लग जाती है। बस हमें थोड़ा सा तरीका आना चाहिए कटिंग लगाने का, कैसे हमें कटिंग लगानी है वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने दोस्तों कटिंग लगाई है क्या गुलदाउदी की? यहाँ देखिए, मैंने इतनी सारी कटिंग तोड़ ली है, और भी लेती हूँ मैं। तो कलर तो मुझे याद नहीं है इसका कौन सा है, क्योंकि मैंने सारे ऐसे इकट्ठे रख दिए थे प्लांट। और छोटी कटिंग भी लग जाती है, बड़ी कटिंग भी लग जाती है। तो ये मैंने इतनी सारी कटिंग इसकी ले ली है। ये देखिए, तो आइए दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी कटिंग सारी, देखिए नीचे की कुछ पत्तियाँ निकाल दी हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने पत्तियाँ निकाल दी हैं और हमें एक एक दो दो नोट रहे हमारी कटिंग में, तभी लगेंगी हमारी कटिंग दोस्तों। तो ये मेरी कुछ कटिंग है और यहाँ पे मैं इसमें सैंड में लगा रही हूँ। और दोस्तों, मुझे सैंड में लगाना कटिंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है सैंड में। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जैसे चाहे मर्जी, जितनी चाहे मर्जी कटिंग लगा लें और सैंड में बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगे दोस्तों। मिट्टी आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सैंड में ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। तो हमें बस ऐसे ही अपने कटिंग के लिए अपने होल, ऐसे सैंड में थोड़े होल कर लेने हैं। और देखिए, ये एलोवेरा है, तो ये देखिए एलोवेरा जेल में हमें बस ऐसे डिप करना है। ये देखिए, कुछ कटिंग हमारी ये है, तो बस हमें इसको ऐसे दवा लगा देनी है। ये देखिए हमारी लग गई, बस हमें ऐसी सारी कटिंग लगा देनी है और बहुत ईजिली लग जाएंगी दोस्तों 100%। और ये एलोवेरा जो होता है जेल, तो रूटिंग हार्मोन का काम करता है। बिना रूटिंग हार्मोन के आप कटिंग लगा सकते हैं, 100% ग्रो हो जाएंगी दोस्तों, बिल्कुल। आप यकीन मानिए, मैं हर साल ऐसे ही कटिंग ग्रो करती हूँ। और बिना, मेरे पास कोई रूटिंग हार्मोन नहीं है लगाने के लिए, तो मैं बस एलोवेरा जेल का भरपूर ये कर मज़ा लेती हूँ दोस्तों, मज़ा। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जो एलोवेरा जेल है और हल्दी है, तो घर के ही ऑर्गेनिक रहते हैं तो चीज़ें, तो फंगीसाइड भी ये काम करते हैं, फंगीसाइड का भी, रूटिंग हार्मोन का भी काम करती हैं। तो कटिंग इजली लग जाती है, तो हमें क्यों लेना है बाहर से केमिकल वाली चीज़ें। तो बस ऐसे ही कटिंग आप लगा लीजिए दोस्तों। घर पर आपका एलोवेरा तो लगा ही होगा प्लांट वेज, तो आप उसमें से थोड़ी सी डगर तोड़ के, और बस हम अपनी कटिंग सारी ऐसे लगाने की। आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगाइए, एलोवेरा से लगाएंगे तो ज़रूर दोस्तों ग्रो हो जाएंगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए, मैं सारी कटिंग ऐसे ही लगा देती हूँ। और अभी मुझे इतनी सारी कटिंग लगानी है, तो अभी मैं इतनी लगाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ मैं कटिंग कल लगाऊँगी दोस्तों। ये देखिए, और कुछ दिनों में मैं इसका अपडेट दूँगी आपको, तो जैसा भी रहेगा। और दोस्तों, ये 100% ग्रो हो जाती हैं, जितनी भी मैं कटिंग लगाऊंगी सारी ही ग्रो हो जाएंगी, इसमें से कोई कटिंग फेल नहीं होती है। ये देखिए, और इतने खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं और बहुत ही प्यारे। और छोटी से छोटी बोतल में भी ये, आप दो कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें भी लग जाएगा। तो बस हमारी ये कटिंग लग गई है, और भी मैं कटिंग लगा लूँगी। तो वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग,
आप भी अपने गार्डन में गुलदाउदी की कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए। तो बाय दोस्तों।